The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं और सही जानकारी देखते हैं, उल्टी सीधी जानकारी से बचे हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उसके सिम्टम्स, उसके टेस्ट, उसके ट्रीटमेंट सब के बारे में आपको बताया है, तो आज बात करेंगे हम उसके प्रिवेंशन के बारे में। जी हाँ, उसका प्रिवेंशन अब आ चुका है, लेकिन इसका प्रिवेंशन क्यों, कब और किसको करना चाहिए, इसको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप CDC यानी सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल या WHO के वेबसाइट पर जाके रीड करेंगे तो, और या फिर आप हमारी भी वीडियो देखेंगे तो आप जानते हैं कि उन्होंने जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन जैसे कि रामदेसिविर, जो कि इबोला जैसी खतरनाक बीमारी वायरस के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी, उसके अलावा जो दूसरे HIV के मेडिसिंस हैं, लोपिनाविर, रिटोनाविर और ऐसी एंटीवायरल मेडिसिंस जो है वो ऑप्शंस बताई हैं। उसके अलावा एक एंटी मलेरियल मेडिसिन का भी ऑप्शन बताया है, हाइड्रोक्सी, क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन। ये दोनों ही जो दवा है, इसी पे आज का जोर पड़ने वाला है, क्योंकि इसी पे खबर भी आई है और इसी पे मुद्दा भी है। तो ये दो दवाएं जो हैं, ये बेसिकली मलेरिया को ट्रीट करने वाली दवाएं हैं और बाकी कई सारी एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, आपकी इम्यूनिटी को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है, एक तरीके का कीमो प्रोफिलैक्सिस है ये, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक, तो ये बेसिकली वैसे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दी जाती है, जो कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जॉइंट की, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस या फिर पोरफायरियासिस, क्यूटानिया, टार्डिया, ऐसी सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज में भी दी जाती है और साथ ही मलेरिया के प्रिवेंशन में भी दी जाती है। तो इन दोनों दवाइयों को, दोनों को इन विट्रो यानी कि SARS-CoV-2 और SARS-CoV यानी पुरानी SARS, बड़े भाई और छोटे भाई दोनों के ऊपर एक्टिव देखा गया है, दोनों के ऊपर ये एक्टिव है और ये लिटरली कुछ स्टडीज़ में प्रूवन भी है, चाइना के ऊपर, चाइना में स्टडीज़ जो हो रही है, और इसमें ये देखा गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो क्लोरोक्विन से ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा एक्टिव है इस वायरस को कम करने में, इस वायरस की एक्टिविटी और साथ में नंबर कम करने में, ट्रीट करने में, कंपैरिजन ग्रुप्स के कंपैरिजन में जिन लोगों को ये दो दवाई या इनमें से एक दवाई दी जा रही थी वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहे थे, ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन यहाँ पर ये एज अ रिकमेंडेड ट्रीटमेंट के ऑप्शन पे ज़रूर इस्तेमाल किया जा रहा है, और लेकिन इसमें क्या है कि लिमिटेड डेटा है हमारे पास, रिसर्च डेटा, इसीलिए ये हर एक को प्रिवेंशन के लिए नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इन दोनों दवाइयों के, क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के सेफ्टी प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो इनसे हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर और लंग्स के ऊपर, आपके लिवर के ऊपर और आपकी खुद की इम्यूनिटी के ऊपर दिक्कतें आ सकती है। हार्ट के ऊपर कार्डियोटॉक्सिसिटी होके एक ECG में दिक्कत होती है, प्रोलॉन्ग्ड QT सिंड्रोम, जो अगर आप इसको ज़्यादा दिनों तक लेते हैं तो, और जिनके ऑलरेडी लिवर और किडनी में दिक्कत है उनको ज़्यादा दिक्कतें, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इनसे बहुत ही कॉमनली, और साथ ही इम्यूनो सप्रेशन यानी कि इम्यूनिटी कम हो जाना भी इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन अब तक किए गए इस्तेमाल जो COVID-19 के पेशेंट्स में, ये बहुत अच्छे से टॉलरेट की गई है, बिकॉज़ क्योंकि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है इसकी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा देखी गई है SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस पे, और इसीलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को, जो पेशेंट अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं जिनको इन्फेक्शन पाया गया है उनको ट्रीटमेंट के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया जाता है। और यहाँ तक के कुछ एक स्टडी ऐसी भी आई थी, एक ऐसी भी स्टडी है जिसमें के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, खासकर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जहाँ पर गले में आपके जो डिटेक्शन होता है वो डिटेक्शन रेट कम हो जाता है अगर आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। किंतु
सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि हम बच जाएंगे, लेकिन यहाँ समझिए कि इन दोनों दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स हार्ट पे हो सकते हैं। दोनों के दोनों दवाएं क्यूटी प्रोलॉन्ग कर सकती है और क्यूटी प्रोलोंगेशन अपने आप में डेंजरस बात है। हार्ट के यानी हमारे डिपार्टमेंट में दिक्कतें आ जाएंगी। हार्ट के दिक्कत में अगर क्यूटी प्रोलोंगेशन कैन इवन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की रिदम रुक भी सकती है, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। इसीलिए सबको नहीं दिया जा सकता, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन है और ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है, अव्वल जिसको हार्ट की कोई बीमारी ना हो, अव्वल दूसरा जिसको किडनी लिवर की प्रॉब्लम ना हो, या फिर मेडिकल कंसिडरेशन में अगर हम समझते हैं कि इनके रिस्क और बेनिफिट रेशियो में इनका बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है इस दवा के लेने से। करंटली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को CDC के थ्रू प्री या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए नहीं बोला गया है करंटली CDC के थ्रू, लेकिन किंतु परंतु हमारे इंडिया के अंदर और लिटरली पूरी दुनिया में इसके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल चल रहे हैं जो कि ये बताए कि हाँ ये कितनी सक्सेसफुल होंगे प्रिवेंशन में, प्रोफिलैक्सिस में, ट्रीटमेंट में। और इसी के बेसिस पे आप अगर ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और आज इंडियन नेशनल टास्क फोर्स उनके रिकमेंडेशंस को देखें तो एक एडवाइजरी यानी एक रिकमेंडेशन जारी की गई है, एडवाइस दी गई है, ये कि गाइडलाइन निकली है कि ऐसे लोग जो के हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, जो ऐसे हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं जहां पर COVID-19 कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड या कन्फर्म्ड केसेस हैं, आ चुके हैं, ऐसे हॉस्पिटल के सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो सिम्टोमेटिक नहीं है, जिनको कोई सर्दी खांसी बुखार नहीं है, उनको ये प्रोफिलेक्टिकली दवा देनी चाहिए। दूसरा, ऐसे जो पेशेंट जो कन्फर्म हो गए हैं, जैसे कनिका कपूर, ऐसे पेशेंट जो कन्फर्म हो गए लेबोरेटरी कन्फर्म केसेस, उनके कॉन्टैक्ट में जो आया है जो एसिम्टोमेटिक है, मतलब जिसको कोई सिम्टम नहीं है, उन लोगों को पहले से प्रोफिलैक्सिस ये दवा देनी चाहिए अगर वो कोई कॉम्प्लिकेशंस वाले रिस्क में नहीं आते हैं तो। ये प्रोटोकॉल रेकमेंड किया गया है आप नेशनल टास्क फोर्स के द्वारा। और यहाँ पर ये सिर्फ इतना नहीं है कि ये दवा ले ली, ये क्रीमोप्रोफिलैक्सिस बोला जाएगा इसको, कीमोप्रोफिलैक्सिस। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये दवा ले ली तो आप फ्री हो गए, अब आपके अंदर कोरोना वायरस नहीं आएगा, कोरोना वायरस फिर भी आएगा। ये दवा जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, ये कोरोना वायरस को जब वो अंदर जाती है आपके लंग्स के सेल के अंदर, वहाँ पर जब वो सेल्स के अंदर जाके लाइसोजोम के अंदर घुसने की कोशिश करती है, तो लाइसोजोम के अंदर वहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उसको, एक एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, वो नहीं मिल पाता है लाइसोजोम के अंदर, यहाँ पर ये दवा जो है उसको मल्टीप्लाई होने से रोक देती है बाय मेकिंग द लाइसोजोम मोर अल्कलाइन एंड मल्टीपल मोर स्टेप्स। 3-4 और स्टेप्स हैं इसके, जो आप उस दवा के बेसिक्स में जब हम जाएंगे तब बात करेंगे, आज हम प्रोफिलैक्टिस की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक है इसका। और इस दवा को लेते हुए फिर भी आपको अपना क्वारंटाइन, अपना आइसोलेशन बरकरार रखना है, सेल्फ मॉनिटरिंग बरकरार रखनी है। अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम आते हैं और आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अभी एसिम्टोमेटिक वालों के लिए प्रोफिलैक्सिस है, जिनको सिम्टम हो जाएगा उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल अलग है, ट्रीटमेंट होगा टास्क फोर्स के द्वारा, वो होता है उस जगह जहां ट्रीटमेंट हो रहा है आपको, इस तरह से। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और टास्क फोर्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है जो कुछ जगहों पर तैनात है, जहां पर आपको ले जाया जाएगा अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको भर्ती किया जाएगा, 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी याद रखिए, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तब तो आप जाके तुरंत टेस्ट कराइए। दिल्ली के अंदर या पूरी जहाँ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कलेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं, मगर वो कलेक्शन होगा किसी डॉक्टर के सलाह पे, आप अपने बेसिस पे टेस्ट नहीं करवा सकते, आपको डॉक्टर की सलाह पे टेस्ट किया जाएगा, या फिर तब किया जाएगा अगर आपके इलाके में पकड़ा गया है कोई पॉजिटिव केस, और फिर आपके सैंपल भेजे जाएंगे एक सेंट्रलाइज मॉलिक्यूलर लैब में जहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। सो टेस्ट
दिल्ली में हो रहे हैं और लैब दिल्ली में है और कलेक्शन सेंटर्स सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप डायरेक्ट जाके टेस्ट नहीं करवा सकते। ऑल राइट, सो जैसा मैंने कहा, डोसेज, क्या डोसेज है इस दवा का? अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट हैं ऐसे कन्फर्म्ड केसेस के जैसे के कनिका कपूर, तो फिर आपको ICMR के अनुसार या ICMR की गाइडलाइंस है, ICMR के अनुसार सस्पेक्टेड केस और कन्फर्म केस और हेल्थ केयर वर्कर जो सस्पेक्टेड कन्फर्म केस वाले हॉस्पिटल में काम कर रहा है उसको ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन 400 मिलीग्राम की दवा लेनी है दिन में दो बार। एक दिन पहले दिन 400 मिलीग्राम्स, दिन में दो बार ऑन फर्स्ट डे, उसके बाद 400 मिलीग्राम हफ्ते में एक बार अगले 7 हफ्ते तक, और ये सारी दवाएं खाना खाने के बाद या दूध के साथ। याद रखिए, खाली पेट नहीं लेना है। सो ये दवाइयां सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हेल्थ केयर स्टाफ्स के लिए जिनका खतरा बहुत ज़्यादा है इन्फेक्ट हो जाने का, इसीलिए उनको ये दी जा रही, ताकि वो ये अपने अंदर लेके आपको ना फैला दें, या आपके भले के लिए हो रहा है। उनको ये थोड़ा सा रिस्क होगा कि हाँ, अगर उनको कोई, कुछ लोगों को ज़रूर क्यूटी प्रोलोंगेशन वाले कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो उनको ऑब्वियसली अपने आप को मॉनिटर करना है। एसिम्प्टोमैटिक हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, यानी कि जो भी लेबोरेटरी कन्फर्म केसेस हैं जो कनिका कपूर के कॉन्टैक्ट में आए, जो ऐसे हर एक पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट में आए, उनको भी ये दवा लेनी है, लेकिन 7 हफ्ते तक नहीं, 3 हफ्ते तक। 400 मिलीग्राम दिन में दो बार पहले दिन, और फिर 400 मिलीग्राम हफ्ते में एक बार 3 हफ्ते तक, ये गाइडलाइन इशू की गई है। आप ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और साथ ही ICMR के रिकमेंडेशंस में पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया याद रखिएगा, 15 साल से छोटे बच्चों को ये नहीं देना है। ड्रग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोफिलैक्सिस इन 15 ईयर्स और लोअर एज, और ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी कोई सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से, 5-अमाइनोक्विनोलोन से, ऐसे कंपाउंड से, उनको नहीं देना है। और ऐसे में याद रखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की नोन साइड इफेक्ट्स आंखों में भी है, रेटाइनोपैथी और स्किन के ऊपर है। तो अगर किसी को स्किन की कोई कंडीशन है, मेलेनोसाइट्स वाली डार्कनिंग और रेटाइनोपैथी है, तो वो भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उन केस में, खासकर आंखों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो आंखों के लिए अगर दिक्कत है तो ये दवा नहीं लेंगे। याद रखिए, दवा लेने का मतलब ये नहीं है कि ये आपको पक्की बात है कि उससे बचाई लेगी, सिर्फ आपका, आपके अंदर वो वायरस उतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होगा। आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपके चांस ज़्यादा है आपके अंदर वायरस आ ही जाएगा, ऐसा सोच के आपको दिया जा रहा है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन पर ही ये दवाई दी जाएगी। सारे केमिस्ट से दरख्वास्त है, ये दवाई बिल्कुल खुले में मत बांटें, राइट, रिमेंबर दैट। और फिजिशियन को आप कंसल्ट करें अगर आपको किसी भी तरीके से आपको इस दवा के कोई भी ड्रग इंटरेक्शन या साइड इफेक्ट्स महसूस हो रहे हैं। प्रोफिलेक्टिक यूज़ हो रहा है अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का, इसको फार्मेको विजिलेंस यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, आपको सेल्फ रिपोर्टिंग करनी है आपको इसमें, फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जी हाँ, ये पूरा है जिसमें आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि भी आपको अगर रिएक्शन हुआ आपको रिपोर्ट करना है, ताकि ये रिकॉर्ड में जाएगा कितने लोगों को रिएक्शन हुआ है, ताकि आगे चल के गाइडलाइन बनेगी, ओके ये दवाई दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, या इसको रोकने की ज़रूरत है या नहीं। याद रखिए, ये सबको नहीं लेना है। आप समझ पा रहे हैं कि ये रिस्की दवा है, ये सब 100% सेफ चीज़ नहीं है। सो अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं आप बिल्कुल लीजिए, सिम्टोमेटिक है बिल्कुल लीजिए, राइट। इफ़ एनीवन बिकम सिम्टोमेटिक वाइल ऑन दिस प्रोफिलैक्सिस, उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना है, उनको टास्क फोर्स के पास जाना है, वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे जो ट्रीटमेंट कोविड-19 के केसेस का हो रहा है, राइट। और ये ट्रीटमेंट भी इवॉल्व होता रहता है जैसे जैसे रिसर्च में फाइंडिंग्स आ रही है। सो रिमेंबर, अभी के लिए गाइडलाइन रिकमेंडेशन ये है, आगे चल के रिकमेंडेशन बदल सकती है। सो अपने आप के लिए नॉलेजेबल साइट से इंफॉर्मेशन लेते रहें, और हमेशा याद रखें कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम इस दवा के नॉन साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकते कि किस में कितना होगा, लेकिन दिस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कैन कॉज हेडेक, डिजीनेस,
लॉस ऑफ एपेटाइट, नौजिया, डायरिया, स्टमक एक, वॉमिटिंग, स्किन रैश, इसीलिए इसको खाली पेट नहीं लेना है, सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी आँखों वाले सिम्टम आ रहे हैं, सेंसिटिविटी टू लाइट, रीडिंग प्रॉब्लम, ब्लरिंग ऑफ डिस्टेंट विजन, या डिफिकल्टी इन हियरिंग, रिंगिंग इन ईयर्स, मसल वीकनेस, ब्लीडिंग, ब्रूजिंग, आपके मूड चेंजेस, इरेगुलर हार्ट बीट, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, ड्राउजीनेस, कन्वल्जन्स, तो तुरंत के तुरंत आपको हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाना है। ये सिंपल चीज़ें नहीं हैं, सो खुद से सेल्फ मेडिकेशन का सोचना भी मत। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वॉन्टेड टू गिव यू अबाउट दिस मेडिसिन। प्लीज शेयर दिस, बिकॉज गलत इन्फॉर्मेशन पक्का शेयर होने वाली है, सही इन्फॉर्मेशन शेयर करना आपका और हमारा काम है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।